हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. आवाज साफ और पिक्चर क्लियर है? यस सर। कल की क्लास में हम लोग जो कर रहे थे, शायद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की थी हमने. एल्डिहाइड सर आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई थी और क्या कहते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन बताई थी, अच्छा, अमोनिया के साथ भी कर लिया, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कराया था, हेलोफॉर्म टेस्ट। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कर. ठीक है बेटा, तो कार्बोनेट कंपाउंड का मैक्सिमम रिएक्शन हमारा आ गया. तो अब हम देखते हैं इसका रिडक्शन रिएक्शन. आज बेटा हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल के साथ साथ कोई और भी रिडक्शन होंगे तो हम साथ में देख लेंगे. कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हमें रिडक्शन देखना है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर देखना है, तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन कर सकते हैं बाय नेम ही कर लेते हैं. ऐसे मैं पहले बता दूं तो याद करने में आसानी रहेगी. देखो, एक होगा क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, एक होगा आपका वुल्फ किशनर रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन एक होगा बाय CH2SS, प्लस हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर लेंगे. एक आप रेड फास्फोरस HI, एक बार इतने फोर ले लेते हैं. कार्बोनिल ग्रुप का हम जो रिडक्शन है ये फोर टाइप से कर सकते हैं बेटा. क्लीमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं, वुल्फ किशनर रिडक्शन कर सकते हैं बाय CH2SS, CH2SH लेकर के बाद में हाइड्रोजनेशन कर देने के लिए पैलेडियम की प्रेजेंस में, या रेड फास्फोरस HI ले सकते हो. जैसे पहला आप देखो, आप देख रहे हो पहला लोग जो हम ले रहे हैं बेटा, वन बाई वन याद करते जाएंगे. फिर क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन को हम CR से लिखेंगे. क्लीमेंशन रिडक्शन तो एक देखो, इसमें दो चीजें याद करनी होती है. एक तो जो आप रिएजेंट है वो क्या यूज करोगे, और कन्वर्जन क्या होगा. यहां पर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे तो ये जो रिएजेंट होगा हमारा वो जिंक अमलगम इन HCl, या प्लस जो आपका होगा HCl के साथ यूज करना है. जब भी आप जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ, एसिड के साथ जिंक अमलगम यूज करेंगे, ये आपका क्लीमेंशन रिडक्शन में यूज होगा. और इसका वर्किंग जो होगा, ये जो वर्किंग करेगा CO,
हाँ बेटा, आवाज चली गई थी। हेलो हेलो बच्चों, सुन पा रहे हो? सर। आवाज आ रही है और पिक्चर आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी चला गया था ना बीच में। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, मतलब जो सीओ ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको, देर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट इज द क्लिवेंशन रिडक्शन, सेकेंड वन इज द वुल्फ किशनर रिडक्शन, थर्ड बाई कोई भी जो ऐसे SH वाला लेके कर लिया आपने, और फिर हाइड्रोजन प्लेटिनम ले लिया और रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन, CR, क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें रिएजेंट क्या लेंगे, चीजें ऐसे याद करनी है। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या रिएजेंट लोगे आप? जिंक अमलगम प्लस HCl, कंसंट्रेटेड और HCl, कंसंट्रेटेड HCl ले लो। तो वर्किंग क्या होगी इसमें, CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CO जो कन्वर्ट होगा वो CH2 में कन्वर्ट होगा, CO डायरेक्ट CH2, मतलब वो हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। सीधा एल्केन में पहुंच जाओगे आप, CO से सीधा CH2 में पहुंच जाओगे। एल्डिहाइड या कीटोन का CO होना चाहिए, बट नोट किसका होना चाहिए, देखो मैंने लिखा है कि CO औरों में भी कई जगह होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव होते हैं, उसको ये अफेक्ट नहीं करता। तो ये स्पेशली रिडक्शन किसका हुआ आपका? CO को CH2 में कन्वर्ट करने वाला रिडक्शन हुआ, CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा। और इसमें नोट आपने क्या ध्यान रखना है कि नोट नंबर वन, आपने पॉइंट ये देना बेटा कि अगर CO को CH2 में कन्वर्ट कर रहे हो और एक से ज्यादा CO है, तो लेस हिंडर्ड CO जो होगा, इसमें हिंड्रेंस कम, लेस हिंडर्ड CO गेट प्रेफरेंस। रिडक्शन अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो जो आपका लेस हिंडर्ड CO होगा उसको आपने प्रेफरेंस देना है, लेस हिंडर्ड CO है तो उसको आपने प्रेफरेंस देना है। और दूसरी बात, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का CO है तो उसको CH2 में ये कन्वर्ट नहीं करता है। और अगर आपका कोई एसिड सेंसिटिव पार्ट है, एसिड कोई जो सबस्ट्रेट में एसिड सेंसिटिव पार्ट इज आल्सो अफेक्टेड, ऑल्सो अफेक्टेड, अगर हमारे पास कोई एसिड सेंसिटिव पार्ट है तो वो भी यहाँ पर अफेक्टेड होता है, सो डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसा बनाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। डिजायर्ड जो आपके पास प्रोडक्ट है इज नॉट ऑब्टेन, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नॉट सर हम इससे एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, फिर भी एसिडिक पार्ट अफेक्ट हो रहा है। एसिडिक पार्ट नहीं, एसिड एसिड लिख दिया कि मैंने, एसिड नहीं बेसिक बेटा, ये पार्ट बेसिक होगा लेकिन वो एसिड से सेंसिटिव है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं एसिड सेंसिटिव पार्ट। मतलब एसिड से सेंसिटिव पार्ट कौन सा होगा, जो बेसिक होगा वही तो लोगे आप, ओके सर। ओके एसिड है ना, एसिड सेंसिटिव पार्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड। अगर कोई एसिड से अफेक्ट होने वाला पार्ट है तो वो भी आपका अफेक्टेड हो जाएगा। ऐसे पार्ट भी आपके जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इसको करते टाइम। और एक स्पेशल पॉइंट आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास CH3CO CH3 ग्रुप होता है आपके पास, या ये आपके पास 1,3-डाईकार्बोनिल होते हैं तो वो रीअरेंज हो जाते हैं। 1,3-डाईकार्बोनिल कंपाउंड अगर है आपके पास तो वो आपका रीअरेंज हो जाएगा। 1,3-डाईकार्बोनिल कंपाउंड, लाइट चला गया है, लाइट का 1,3-डाईकार्बोनिल कंपाउंड, 1,3-डाईकार्बोनिल, आगे लाइट, वन थ्री डाई कार्बोनिल कंपाउंड। वन थ्री डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड है वुड बी रीअरेंज। हाँ यार, अब बढ़िया हो, वुड बी रीअरेंज, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका रीअरेंज हो। इसमें आपको करते हैं रिएक्शन सिंपल सी है, लेकिन जो आपके बट और इफ है ना बेटा, ये जरूर ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस जो होती हैं वो जरूर ध्यान रखनी है। जैसे देखोगे आप
एक आपके पास अगर दो सीओ की जगह है तो कौन सी जगह आपकी रीअरेंज करोगे, कौन सा जगह आप जो होगा एसिड सेंसिटिव पार्ट है तो वो भी आपका अफेक्ट होगा, नहीं इतना फर्क। 1,3-डाईकार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो रीअरेंज होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एज एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल दिया आपको CH3CO CH3, और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा, जैसे ऊपर लिख दिया जो आपको रिएजेंट दिया था, क्या रिएजेंट लिखा था, जिंक अमलगम इसकी प्रेजेंस के साथ, HCl की प्रेजेंस के साथ, जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस दे दी, तो जो बीच वाला CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट कर दोगे बेटा, CH2 CH3 CH2 CH3, सीधा एल्केन में पहुंच जाओगे, रिएक्शन सिंपल होगी। ये तो सिंपल स्टेप वाला एक आपका एग्जांपल हो गया कि अगर आपके पास सिंपल सा एग्जांपल आता है तो आप ऐसे दे सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेशन में कर देते हैं। सपोज मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे देता हूं जिसमें आपके पास दो दो सीओ है और प्रेफरेंस करना है आपने। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ऐसे बेंजीन रिंग बनाया, और बेंजीन रिंग बनाकर, या बेंजीन रिंग नहीं सीधा है हेक्सेन बना देते हैं, सीओ लिया इधर भी सीओ, दोनों साइड सीओ ले लिया बेटा, और इधर क्या कर दिया, यहां पर मैंने ये कुछ ग्रुप लगा दिया, ट्रिप्सिन ब्यूटाइल ग्रुप लगा। अब देखो, और इधर मैंने कह दिया आपको जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन देना है आपको, जिंक एचजी और एचसीएल के साथ रिएक्शन देना है, जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन देना है, तो अब आपके पास सीओ तो दो है, तो ये वाला सीओ जो होगा ज्यादा प्रोबेबिलिटी, और मैंने कहा कि इसका वन इक्विलेंट यूज करो, मैंने वन इक्विलेंट यूज करो। तो अगर हमारे पास जिंक अमलगम और एचसीएल है और प्रेफरेंस में हमें करना है, तो इसका मतलब कौन से वाला इफेक्ट होगा, ऊपर वाला सीओ देख रहे हो, ऊपर वाला सीओ हिंडर्ड है, नीचे वाला लेस हिंडर्ड है, तो मैंने इधर पॉइंट लिखवाया था, देखो आपको ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट, ये लेस हिंडर्ड सीओ ग्रुप गेट प्रेफरेंस फॉर रिडक्शन। तो एक ही करना हो तो आपको इसका मतलब नीचे वाले को आपने सी एस टू में कन्वर्ट कर देना है, ऊपर वाला वैसे ही पड़े रहने देना है। क्लियर? यस सर। तो सी एस थ्री सीओ में सीओ को सीधा सी एस टू में कन्वर्ट करना है, और अगर दो सीओ है तो आपको जो लेस इंडर्ड होगा उसको आपने प्रेफर करना है सी एस टू में, तो कार्बन एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप आपका सीधा यहां पहुंच जाएगा। सपोज मैं इस टाइप का एग्जांपल दे देता हूं आपको, इस टाइप वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, देखो ये एग्जांपल दे दिया, और यहां पर मैंने आपको क्लीमेंशन रिडक्शन करने के लिए बोला, सीआर करने के लिए बोला, तो सीआर में देखो अब आपके पास एक चीज और होगी, ये सीओ तो इफेक्ट होगा ही होगा, ये वाला पार्ट तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाली पार्ट तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ देखो ओ एच है, ये ओ, इस ओ एच को भी आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, ये पार्ट जो आपका वो एसिड सेंसिटिव पार्ट आ रहा है, ये वाला ओ एच पर लोन पेयर होता है तो एसिड सेंसिटिव होता है, ओ एच एच से रिएक्ट कर जाएगा, एसिड सेंसिटिव पार्ट हो जाएगा, तो एसिड सेंसिटिव पार्ट हो जाएगा तो यहां भी आपका फर्क पड़ेगा, तो क्या रिएक्शन होगा एसिड सेंसिटिव पार्ट होगा तो क्या बना सकते हो बेटा, बता सकते हो इधर, क्योंकि एच इसको मिलेगा ओ एच एच को लेके बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा बेटा, एल्कीन बन जाएगी इधर भी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका सर, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, सीएल है फिर सीएल के बाद फिर हो जाएगा आपका HCl निकल जाएगा ना, फिर सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हो, OH की जगह आप Cl भी लगा सकते हो, तो OH है तो आप प्रोडक्ट ऐसे दे दो कि यहाँ क्या दे दो, आप पहले ये दे दो, अगर आगे हीटिंग आ जाएगी तो Cl भी निकल जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा और इधर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आवी लाइट CO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो समझ गए बेटा इस टाइप के एग्जांपल जो है आपने इसमें देने हैं कि क्या क्या रिएक्शंस हो सकता है, सी ओ एच सी एल आगे हीट करोगे तो सी एल भी यहां से निकल सकता है।
सी आर रिडक्शन वाला केस भी हो गया आपका। अच्छा एक केस मैंने आपको और बताया था नोट में कि अगर आपका 1,3-डायोन, ये तो सिर्फ ऊपर वाले केस तो आ ही गया आपकी, भाई कहाँ क्लीवेंशियल रिडक्शन करना है, कैसे करना है, कहाँ सीएल देना है, कहाँ कहाँ ओएच देना है। बट एक चीज और है बेटा यहाँ पर कि अगर मैं आपको डायोन दे दूं CH3 CO CH2 CO CH3, तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है रीअरेंज होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है मिडल वाला, यहां से ये पार्ट, एक को पार्ट को तोड़ देते हैं, दूसरे पार्ट में हम लगा देते हैं, तो रिडक्शन तो होगा, तो ये रीअरेंज होगा। अगर मैंने 1,3-डायोन दे दिया तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास CH3 के पास एक और CH3, CH3 आगे चला जाएगा और इधर आपका COCH3। रीअरेंज हो जाता है इसमें, मतलब ये वाला पार्ट जो है CH2 एक्चुअली आता तो एक मैकेनिज्म करेंगे तो वहां से क्लियर होगा कि ये सी टूट के यहाँ अटैच हो जाता है, तो ये सी फ्री हो जाता है, ये वाला CH3 ये सी टूट के यहाँ चला जाता है, तो ये CH3 ऊपर आ जाता है, तो CH3 और CH3 तो जाना ही है बाद में, तो इस टाइप का रीअरेंजमेंट है। तो ये क्लीवेंशियल रिडक्शन में ये स्पेशल केस है, एक नॉलेज क्लाउड में ध्यान रखना है, अगर 1,3-डायोन 1,3-डायोन हो तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट पहले देखो बना कैसे, इसमें आपको दोनों चीजें हैं कि आपकी सिंपल रिएक्शन हुई वो कैसे हुई, और अगर आपका ये वाला रिएक्शन किया आपने तो टोटल बनाया ये कैसे हुआ। इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं अपने कि CH3CO CH2 अगर आपके पास है और CH3CO में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो मैकेनिज्म। एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है कि यहां पर CH3 T ऐसे करके रखो आप, ज्यादा इजी रहेगा, CH2 C यहां डबल बॉन्ड हुआ है, यहां डबल बॉन्ड हुआ है, या CH3 है बेटा। तो सबसे पहले जो जिंक करता है वो जिंक क्या करता है, ZnCl2 में जो आपका जिंक लेते हो, जिंक अमलगम होता है, तो जिंक के पास एक्चुअली लोन पेयर होता है, और जिंक का काम होता है लोन पेयर हो जाने के कारण इसकी जगह को ब्रेक करना, ऑक्सीजन को बाहर ले जाना। जैसे ये ऑक्सीजन को बाहर ले जाएगा तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, पहले CH3C पर पॉजिटिव चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, यहां पर C जो आपका पॉजिटिव आया है ये पॉजिटिव इधर अटैक करना करने के लिए जाएगा, ऐसे मैकेनिज्म और थोड़ा इस पर रहता है, सी के साथ पहले जेड एन अटैच होता है, वो हटा के, क्योंकि बहुत सारे जेड एन होते हैं तो जेड एन अटैच होता है, तो जिंक अपना लोन पेयर ओ नेगेटिव लेकर के जिंक ऑक्साइड ओ के साथ जा रहा है, तो सी पर देखो पॉजिटिव चार्ज। अगर हम कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर से बनाना चाहते हैं ऐसे इजी रहेगा क्या, जैसे हम कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर कहेंगे तो इसको यहाँ पहुंचाना है, लेकिन बॉन्ड तो ऐसे किसी ना, मिथाइल शिफ्ट हाँ ऐसे किसी को रहना, ये इधर यहाँ, इसका मतलब है नेगेटिव लेना पड़ेगा। सी के पास जिंक अपना लोन पेयर दे देगा, इसको ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, जेड एन पॉजिटिव, देखो जेड एन टू पॉजिटिव जाता है, तो जेड एन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे करके, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे करके ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। जैसे ये नेगेटिव आएगा ये क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, रीअरेंज करेगा, इस पर रीअरेंज करेगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा बेटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, हालांकि मैकेनिज्म में आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, कुछ बच्चे करना चाहें तो ओ नेगेटिव आ जाएगा CH3, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगेन क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वापिस फिर आएगा यहाँ, जैसे ये आएगा तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, वो हट जाएगा ऊपर से, तो CH3C ऊपर वाला CH2 जब हट गया तो आगे चल करके उसने CH3 में कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि तो CH2 नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये इधर C डबल बॉन्ड हो CH3 हो गया, ये फिर क्या है HCl तो ले ही रखा है ना आपने,
एच पॉजिटिव को ले लेगा तो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन ठीक है, बना सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। रिक्वायरमेंट सीधा याद करने की है, तो मैंने ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया, यही प्रोडक्ट तो बनाया था, यहाँ पर देखो ऊपर देखो इस रिएक्शन में, तो CH3CO CH2 बीच में आ जाए CO CH3, तो CH2 को हटा देना है और इस कार्बन को C के साथ कन्वर्ट कर देना है। तो C ऑक्सीजन बाद में अपने आप ही हट जाएगा, CCH3CO CH3 में तो रीअरेंजमेंट होगा। मुश्किल से मुश्किल केस आपको रीअरेंजमेंट वाला आ सकता है, लेकिन आपको जनरली फोकस जो होना है मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना, क्योंकि तो मैकेनिज्म यहाँ सबके बस का काम नहीं होगा। इसलिए आप क्या याद करोगे, मैं ये मेडिकल वालों को रेफर करूंगा कि जो मैंने पॉइंट दिए इन पॉइंट को याद करो। तो क्या पॉइंट दिए मैंने देखो ऊपर, कि एक तो नॉट नंबर वन लेस एंडेड सीओ लेस प्रेस देना है, नॉट नंबर टू एसिड सेंसिटिव पार्ट है तो वहां भी रिएक्शन देनी है, और नॉट नंबर थ्री अगर 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो वो क्या होगा आपका, वो रीअरेंज, वो आपका कंपाउंड रीअरेंज होता है, अदरवाइज सीओ को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको एसिड सेंसिटिव पार्ट मिला हुआ है, आपको एसिड सेंसिटिव पार्ट मिला हुआ है, तो आप चाहो तो उसको एसिड सेंसिटिव है तो एसिड हटा के बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, इसी रिएक्शन को सेकेंड टाइप का रिएक्शन बोलते हैं। देखो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन में लिखा था वुल्फ किशर कृष्णा रिडक्शन, वुल्फ कृष्णा रिडक्शन को ऐसे याद करना, WKR वुल्फ कृष्णा रिडक्शन। जो वुल्फ कृष्णा रिडक्शन है उसमें रिएजेंट, बस वो ऊपर वाला एसिडिक मीडियम में किया था ना बेटा, ये बेसिक मीडियम में कर, रिएजेंट जो होगा इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वहां एसिड प्रेजेंट दिया था, यहां पर बेस, जो वर्किंग है सेम वर्किंग है वही वाली, जैसे वर्किंग पहले की CO into CH, CO को यहां भी किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपने, CH2 को, CO को CH2 है, OH में यहाँ थोड़ा हीटिंग भी ले लेते हैं, OH की प्रेजेंस में जब करते हैं तो हीटिंग भी यूज कर लेते हैं, तो CO को आप CH2 में कन्वर्ट करो। यहाँ भी CO जो आपका CH2 में कन्वर्ट होता है, एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म क्या होता है जब रिएक्शन करते हो, जब आप CO लेते हो पहले हाइड्रोजन, देखो पिछली क्लास में रिएक्शन पढ़ के आए हो हाइड्रोजन की, तो NH2 NH2 रिएक्ट करेगा, सी ये डबल रिएक्शन हो जाएगा बेटा, बॉन्ड H2 बाहर हो जाएगा, तो पहले क्या बन जाएंगे, जैसे आप पहले बनाते थे NNH2 हाइड्रोजोन, यहां पर आपके बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। ये जो हाइड्रोजोन है, हाइड्रोजोन में ये नाइट्रोजन के जो H रखे हुए हैं इनको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे, 2OH- के साथ ये ऐड करोगे तो ये दोनों एच निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में, ये आपके पास एक स्पीसीज बनेगी C डबल बॉन्ड N, और N पर 2 आपके 2 नेगेटिव चार्ज, जो आपके पास 2N नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से ये नेगेटिव चार्ज इधर आने लगेगा, ऐसा करने पर आपके पास सी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N इधर डबल बॉन्ड N बन जाएगा आपके पास। अब जो भी सी है, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, जो आपके वाटर पड़ा था, वाटर जो आया था वो वाटर आ जाएगा, क्योंकि हीटिंग भी दोगे आप और वाटर भी आएगा, वाटर का HOH, वाटर के H आ जाएंगे और यहां पर अटैच हो जाएंगे हीटिंग में, नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा तो सी के साथ H2 कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर, और बाहर बाहर क्या निकल जाएगा साथ में, नाइट्रोजन, हीटिंग इसलिए लिया था हमने कि नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, तो CO तो ये डायरेक्ट नहीं होता, पहले हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन कार्बन में नेगेटिव स्पीसीज बनाता है, मतलब कार्बन एनायन इंटरमीडिएट है, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या हुई, मेन पॉइंट क्या हुए, एक तो इंटरमीडिएट क्या बना आपका कार्बन एनायन,
इंटरमीडिएट जरूरत हो तो याद कर लेना, नहीं तो सीओ को सीएच टू में कन्वर्ट करना है। ये रहा कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन नाइन आपका ये बना है। और दूसरी बार ये है कि यहां अगर आपकी बार बेस में कर रहे हो, बेस सेंसिटिव पार्ट अफेक्ट होगा, बेस सेंसिटिव पार्ट इज अफेक्टेड। यहां पर आपको डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है क्योंकि बेस सेंसिटिव पार्ट, बेस ले रहे हो आप तो बेस सेंसिटिव पार्ट होगा तो वो आपका अफेक्टेड। बाकी सारी रिएक्शन आपकी वैसी है जैसी आपकी ऊपर है, वुल्फ किशनर वाली रिएक्शन और आपकी ऊपर वाली क्लीमेंशन रिएक्शन सेम। तो अल्टीमेटली बेटा रिपीट कर दो, क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन क्या काम करते हैं? सर, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सीओ ग्रुप को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं? ये सीओ ग्रुप को डायरेक्ट CH2 में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में फर्क क्या है बेटा? सर, जो दोनों में क्लीमेंशन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होती है, वॉल्फ किशर रिडक्शन बेसिक मीडियम में बेस होती मीडियम, है। बिल्कुल बेटा दोनों में फर्क यही है कि आपको ये देख लेना है कि एसिड से सेंसिटिव पार्ट है तो बेसिक वाला कर लेना, वुल्फ किशनर रिडक्शन कर लेना, और बेस सेंसिटिव पार्ट है तो फिर एसिडिक वाला कर लेना। मतलब एसिडिक पार्ट है, एसिडिक सेंसिटिव वर्ड हटा देता हूँ, देखो वर्डिंग में बड़ा फर्क होता है ना। अगर एसिडिक पार्ट है तो एसिड की प्रेजेंस में कर लेना, बेसिक पार्ट है तो बेसिक की प्रेजेंस में कर लेना। तो सीओ ग्रुप को डायरेक्ट आप CH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट हो तो याद कर लेना, नहीं तो जो रिएजेंट और रिएक्शन बताई है ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ये आपके काम के ज्यादा है। चले आगे, यस सर। देखो तीसरा रिएक्शन क्या बताया था बेटा मैंने, किसके साथ? डाइथायोल के साथ बताया था तीसरा रिएक्शन। डाइथायोल रिएक्शन जो मैंने दिया था आपको, जो भी आप फिर भूल जाऊंगा मैं थर्ड है सेकंड तो मैं लिखता जाता हूं। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था रिएक्शन रिएक्शन बाई, जैसे ये दोनों साइड CoHCl जैसे एसीटेल बनाए थे आपने, वैसे ही है ये थायो एसीटेल है। एक्चुअल में इनको हम थायो एसीटेल बोल सकते हैं। तो इनकी रिएक्शन अगर आप करवा के और बाद में आप हाइड्रोजनेशन कर दो प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तब भी रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो रिएजेंट ये हो जाएगा, रिएजेंट ही हो गया। इस रिएक्शन का नाम भी होता है, इसको बोलते हैं, वैसे पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन मोजिंगो रिएक्शन। एनसीआरटी वगैरह में नहीं है तो रिक्वायरमेंट कम ही है, मोजिंगो बोलते हैं वैसे, मोजिंगो। आज रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात, मोजिंगो रिडक्शन। ऊपर वाले तो नाम से पूछे जाते हैं लेकिन ये नाम से ध्यान रह जाए तो ही ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए CH2SH, ये भी आपका जो भी सीओ ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप को इसकी भी वर्किंग सेम होती है जैसे बेटा आपने ऊपर की, इसका वर्किंग भी जो होगा वो आपका सीओ को डायरेक्ट CH2 में कन्वर्ट कर, डायरेक्ट सीओ को CH2 में कन्वर्ट करना है। कैसे रिएक्शन होता है, जैसे सपोज आपके पास कोई भी सीओ ग्रुप हुआ, हम रिएक्शन पढ़ के आए हैं, देखो एल्कोहल की एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो SH रिएक्ट करके वाटर हटा देगा, वाटर निकल जाएगा बेटा, तो ये चीज बन जाएगी C के साथ, इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर, इधर CH2, यहां CH2। अब ये बन गया आपका CO को आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब क्या कर दो, अब हाइड्रोजनेशन कर दो, क्योंकि सल्फर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया किसी भी प्रेजेंस में तो काफी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है, तो ये इन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, SH वाला वापस पार्ट निकाल देगा और इसको भी एच दे देगा, ये आपका वापस CH2 में कन्वर्ट। तो ऐसे आप मोजिंगो रिडक्शन भी कर सकते हैं, ये भी सिंपल सा रिएक्शन है, बस इसमें पहले सीओ ग्रुप को आप
जो है थायो सल्फर के साथ रिएक्ट करके थायो ईथर जैसा कुछ बना लेना, इसमें थायो ईथर बना करके और बाद में आप उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल किए हैं सारे एल्डिहाइड कीटोनों को किसमें कन्वर्ट करते जा रहे हो आप, जितना भी किया सब में एल्केन आप एल्केन के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हो, एल्केन के अंदर। फोर्थ मैंने दिया था रेड फास्फोरस एन एच आई। दीजिए। हाँ बेटा, हो गया सर। नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे हम, फोर्थ मैंने किससे बताया था, रेड फास्फोरस एंड एच आई, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देख लो फिर आप, रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस प्लस एच आई, रेड फास्फोरस प्लस एच आई, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप को करता है नोट, इसको दूसरे फंक्शन ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी वर्क कर देगा। हाँ, ये सब पे कर लेगा, तो मोस्ट ऑफ अफेक्टेड करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिख लो चाह रहे हैं, एंड रिड्यूस, वो एक्स्ट्रा वाले भी यहाँ ऐड कर देंगे नॉलेज क्लाउड में, रिड्यूस मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, लेके भी लास्ट एल्केन तक चला जाता है ग्रुप पे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ले जाएगा, तो रेड फास्फोरस एच आई, तो आप सीओ की बात कर रहे हो, सीओ को तो करेगा ही करेगा, सीओ अगर आप रेड फास्फोरस एच आई लेते हो रेड फास्फोरस एच आई इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन के अंदर ले जाएगा। अब पॉइंट ये देखना होता है कि यहाँ ले जाएगा तो इसकी रिएक्शन या मैकेनिज्म क्या रहेगा, थोड़ा सा आइडिया ले लो, वैसे तो डायरेक्ट याद करना है, थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो बेस्ट है कि इसमें एक्चुअली जो एच आई होता है, H+ को H एटम में चेंज कर देगा। एच एटम में चेंज कर देता है भाई, एच आई जो होता है वो एच एटम में चेंज कर देता है, 2H और आयोडीन बाहर हो जाता है, पर एच जो होता है वेरी रिएक्टिव स्पीसीज है, ये क्या करता है सीओ के साथ दोनों एच रिएक्ट करके दोनों जगह चले जाते हैं और इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपने ये एल्कोहलों में रिएक्शन देखते हो CH और OH में, और काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर एच आते जाएंगे आपके CH और OH में, फिर एक एच आएगा वो H2O को बाहर निकाल देगा, तो जैसे ही H2O यहां से बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलता है तो इसमें जो CH रह जाता है, CH जो रहता है वो फ्री रेडिकल वाला रहता है, तो ये फिर एक एच आ जाता है, क्योंकि ये सारे डॉट एच ही तो हैं, ये फिर डॉट एच आ जाता है और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म का बस इतना फायदा है कि आपको बीच में पता लगेगा कि जैसे पिछली रिएक्शंस में देखा आपने, जब रिडक्शन किया तो कौन सा इंटरमीडिएट बना था बेटा, पिछली रिएक्शन में आपने देखे तो कार्बन आयन बना कार्बन था, और यहां पर कार्बन आयन नहीं बन रहा, क्या बन रहा है यहां पर देखो आप, रेडिकल, इस रिएक्शन में जब कभी आपसे जो डीप क्वेश्चन चला गया इंटरमीडिएट पूछेगा तो आप बोलोगे रेडी जो या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, और दूसरी बात है देखो रेड फास्फोरस का कोई काम नहीं आया अभी तक, सिर्फ सारा यूज किसका कर रहे हो आप, एच आई का यूज कर रहे हो सारा, कैटलिस्ट है ना। नहीं बस यही ध्यान रखना है रेड फास्फोरस यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं है, वो एच आई का प्रोडक्शन करता रहता है, एच आई जो होता है रीजेनरेटर करता रहता है एच आई, एच आई का रीजेनरेशन जो है वो, जैसे आयोडीन बन गया तो आयोडीन से क्या करेगा रेड फास्फोरस जब अच्छा, रिएक्ट करेगा तो उससे दोबारा जो आपका प्रोडक्शन किसका दे देगा वो आयोडीन को, जैसे पी आपका पी और एच आई रेड फास्फोरस एच आई रिएक्शन किया तो क्या बन गया Pi3 बन गया ना, Pi3 और HI जो है वो बन जाएंगे, तो रीजेनरेशन ऑफ आपका HI करता है, रीजेनरेशन ऑफ
एच आई आपका करेगा। एक मिनट रिएक्शन देखो आप, ये वाला भी करता हूं बात। बेटा तो रेड फास्फोरस और एच आई यूज करते हैं, और रेड फास्फोरस और एच आई मतलब एच फ्री रेडिकल बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल आगे सारे रिडक्शन का काम करते हैं। रेड फास्फोरस सिर्फ हमारे किस काम आता है कि जो हम एच आई का रीजेनरेशन करते हैं, भाई जब आयोडीन बनता गया तो आयोडीन बनने के बाद वापिस एच आई का रीजेनरेशन करना पड़ा, तो उस रीजेनरेशन के लिए हम यूज करते हैं रेड फास्फोरस होता है, जिससे एच आई खत्म हो जाता है तो दोबारा एच आई बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें आप कैटलिस्ट मत देना बेटा, कभी आए तो कैटलिस्ट वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पर एक्चुअली रेड फास, क्योंकि आपका काम तो एचआई से भी चल रहा है, काम सारा किससे हो रहा है आपका, देखो आप मैकेनिज्म का यही फायदा होता है ना, जब आपने मैकेनिज्म देखा सीएच टू सीओ को कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि रेड फास्फोरस का यूज नहीं किया, तो रेड फास्फोरस हमारा एक्चुअली जब एचआई वापिस चाहिए होगा हमें तो उसके लिए रिएक्शन में आगे चलाने के लिए एचआई की रिक्वायरमेंट के लिए होगा। तो मेन वर्क क्या देंगे नॉट रेड फास्फोरस इज नॉट, सीधा लिख दो रेड फास्फोरस इज नॉट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं है बेटा, रेड फास्फोरस इज नॉट कैटलिस्ट, बट ये क्या काम आता है, इट इज रीजेनरेटर ऑफ एच आई रिएक्शन। तो दो वो डीप नॉलेज के लिए दो चीजें हैं, वैसे तो आपको सीओ को सीएच टू में कन्वर्ट करना है रेड फास्फोरस एचआई, बात खत्म, इतना ही काम मतलब मेडिकल लेवल पे इतना ही है। फिर भी डिटेल आ जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिडक्शन होता है किस इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो क्या आंसर देंगे बेटा, रेडिकल इंटरमीडिएट, क्या देंगे रेडिकल इंटरमीडिएट। और ये वो कोई मतलब जैसे एम्स वगैरह का क्वेश्चन देना है तो वहां का भी आ सकता है कि यार रेड फास्फोरस आपने क्यों लिया है, तो रेड फास्फोरस कैटलिस्ट मत देना बेटा, क्या दोगे रेड कैटलिस्ट, क्यों लोगे आप, किसके लिए काम करेगा, रीजेनरेटर ऑफ रीजेनरेटर ऑफ एटम। एच। दूसरी बात देखो बेटा कि रेड फास्फोरस एचआई काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कोई भी आ जाए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहलों को एल्केन में ले जाएगा, एल्डिहाइडों को ले जाएगा, कीटोनों को ले जाएगा, किसी को भी ये ले जा सकता है, तो ये कन्वर्ट रेड फास्फोरस एचआई। आगे आप देखोगे एसिड वगैरह वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट कई जगह जो है स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान कर लेना आप। सपोज जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, स्टीरियो केमिस्ट्री कंसिडरेशन,
सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कायरल सेंटर दे दिया, कायरल पढ़ा था ना हमने, मैंने यहां दे दिया आपको मिथाइल ग्रुप, यहां दे दिया कोई इथाइल ग्रुप, यहां दे दिया सपोज मैंने कोई डिटीरियम, यहां दे दिया सपोज एल्कोहल, तो यू नो कि ये किसको करता है भाई। आपने इसमें भी तो देखा था एल्डिहाइड कीटोनों को कहां रोका, एल्कोहल पर थोड़ी रोका इसने, पीछे ले गया ना, कहां तक रह गया, एल्केन तक। तो अगर मैं ये रिएक्शन दूं तो यहां पर आपको रेड फास्फोरस एच आई दिया जाए, रेड फास्फोरस प्लस एच आई, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे बेटा, कौन सी जगह पे इफेक्ट आएगा, ओ एच हट जाएगा और उसकी जगह एच आ जाएगा, ओ एच हट जाएगा उसकी जगह एच आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या दोगे, कायरल सेंटर पर तो कोई लेना देना ही नहीं है, कार्बन के ऊपर तो कोई रिएक्शन साइट ही नहीं है, तो अब की बार ओ एच है, ओ एच को हटाएगा, जैसे सी ओ, यहां सिर्फ एज ए वाटर ओ एच को हटाना और अपना एच देना है, इसलिए सीधा सीधा अपना एच यहां दे देगा, जहां से हटा वहीं पर एच आपको दे दे, जहां से हटेगा वहीं के ऊपर आपको एच ये दे देगा। इसी टाइप का एग्जांपल देखो, अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं इस क्वेश्चन को, कि सपोज मैं ऐसे बना देता हूं कि ये आपके पास ये एग्जांपल है, इसके रिस्पेक्ट में सीओ कर दिया मैंने यहां, अब मैंने कह दिया कि यहां रिडक्शन दे दो आप रेड फास्फोरस और एचआई का, अब बेटा यहां रिडक्शन करोगे तो आपको हटाना तो वो है, ओ की जगह एच लगाना है, तो आपसे ये पूछा जाए कि एच आप अबो द प्लेन लगाओगे या बिलो द प्लेन लगाओगे, क्या आंसर दोगे बेटा, अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन, भाई दोनों ही तो आ जाएगा, क्योंकि यहां तो कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज है, यहां तो फ्लैट है, फ्लैट मोलिक्यूल है, फ्लैट मोलिक्यूल के अबो बिलो दोनों साइड आ सकता है, तो ये चीजें तो फिक्स रहेंगी, इधर वाली एच जो आपका आ रहा है, यहां पर जो एच आ रहा है सीओ, जो आपके पास एच आ रहे हैं वो एच आपकी दोनों पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं, अबो भी आ सकता है एंड बिलो भी आ सकते हैं आने वाले, हालांकि दोनों ही साइड आएंगे क्योंकि वैलेंसी तो पूरी करोगे ना, उस वैलेंसी के अंदर आप जो रेड फास्फोरस वाला एच देखोगे अबो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है एंड बिलो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है आपका। ये चीज फिक्स रखनी है इधर वाली, इधर आप कहीं भी लगा सकते हो, एग्जामिनर अबो दिखा रहा है तब भी ठीक है, बिलो दिखा रहा है तब भी ठीक है, बात एक ही है, दोनों एक ही है, क्योंकि अबो भी लगेगा बिलो भी लगेगा, बैलेंस तो पूरी करोगे ना, यहाँ कार्बन के बॉन्ड देखो, यहाँ तो कार्बन के दो ही है, एक ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन की जगह आपका ओ एच हटा करके एच ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाना है आपको, अगर आपने ये देखा हो इधर, ऐसे ही हो देखा हो, पहले यही चीज तो बनी थी, पहले आपने देखा था ये यहां पर सी एच ओ एच, जब एच मिले फ्री रेडिकल मिले सी एच ओ एच एल्कोहल बना था, फिर एल्कोहल को आपने एच दिया तो फिर क्या हुआ, इस सी के साथ जो एच है पहले वाला तो जहां लगा था वहां लगा रहा, लेकिन जो दूसरे वाला ओ एच है उस ओ एच के साथ फ्री रेडिकल एक एच टू और आ गया, तो हम इस पहले वाले एच की बात कर रहे हैं, तो पहले वाला एच अब वो भी लग सकता है और बिलो भी लग सकता है, दोनों दिखा सकते हैं। तो बेटा देखो रिडक्शन के कितने टाइप हो गए आपके पास, अभी तक जो आपने रिडक्शन किया है, जो अभी तक आपने रिडक्शन किया है उसके अंदर फोर टाइप हो गए, कौन कौन से, सी आर, वुल्फ किशनर बॉयफिशर, रेड और पी, मोजिंगो वाला, नाम याद रखना है तो ये नाम याद रख लो, नहीं रखना है तब भी कोई इशू नहीं है, कि आपको वो ध्यान रख लेना कि पहले आप जो थायो ईथर है उनके साथ रिएक्शन कराते हो, थायो ईथर के बाद आप इधर चले जाओगे, यहाँ नॉलेज क्लाउड में जो एक्स्ट्रा रिडक्शन है जो कंफ्यूज करते हैं उसको भी हम यही डाल देते, इसको हटा दो बेटा, आगे कर दो, यस सर। जैसे कुछ नॉलेज क्लाउड में, क्योंकि बाद में भी करने ही है तो साथ ही कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक फिनिश जल्दी हो जाए इससे। देखो एक आप करते हो रोजन मूड रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन करते हो, सर रोजन आपने प्रिपरेशन मेथड एक भी नहीं कराया है इसका। एक की रिएक्शन बेटा दूसरे की प्रिपरेशन हो जाएंगी, कहीं हमने रिएक्शन किए हैं तो कहीं दूसरे की प्रिपरेशन हो जाती है ना, तो एल्कोहलों से निकाल निकाल के कर लेना तो आ जाएंगी वो, कहीं आपने जब एक की रिएक्शन कर रहे हो, मान लो मैं आपसे आपसे पूछूं कि भाई आपने कहीं रिएक्शन पढ़ी, प्रिपरेशन इस चैप्टर में नहीं पढ़ी लेकिन पिछले वाले में तो पढ़ ली ना,
जो आपने अल्कोहल किए थे, अल्कोहलों का ओके ऑक्सीडेशन सर, पढ़ा था, वो क्या चीज था देखो, ये भी चीज ध्यान रखनी है सेपरेशन यार। मेथड था वो तो। आ जाएंगी। हाँ, आपकी कहीं कोई पार्टिकुलर होगा तो वो आपका प्रिपरेशन वो आपका आ जाएगा, वो हो जाएगा। तो रिलेट करके भी सीखो, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर वाइज एक दर्रा बना रखा होता है ना कि भाई हर चैप्टर में प्रिपरेशन भी पढ़ूं, हर चैप्टर में, फिर मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर तो मैं बताता जाऊंगा बस ऊपर लाइन लाइन, पहले ये रिडक्शन, ये प्रिपरेशन, ये रिडक्शन, ये प्रिपरेशन, स्कूलिंग का हो जाएगा काम। आप जोड़ना सीखो, आप खुद ढूंढो, मैं भी ढूंढ के कई सारे रिएक्शन दिखा दूंगा कि भाई ये प्रिपरेशन वहां थी, यहाँ रिएक्शन थी तो उसमें, बट ये काम मेरा नहीं है, ये अब आप करो कि भाई एल्कोहलों में कहाँ कहाँ देखा आपने, आगे एसिड में आएंगे तो वहां कहाँ कहाँ आएगा जो एल्डिहाइड, रोजन रोजन वुंड रिडक्शन, जैसे मान लो रोजन वुंड रिडक्शन आ गया, तो रोजन वुंड रिडक्शन एक्चुअली क्या है कि ये जो आपका रोजन वुंड रिडक्शन है ये दो जगह काम किया जाता है। इसमें जो रोजन वुंड रिडक्शन है स्पेशली जो यूज किया जाता है, इसमें रिएक्टेंट होता है एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, या अब यही रिएक्शन करोगे तो यही देख लेना अपने आप आपका प्रिपरेशन मेथड ही आ गया, एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। अगर रिएक्टेंट आपका एसिड क्लोराइड है और उसमें रिएजेंट डाल दो, अगर आपने उसमें रिएजेंट डाल दिया पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, तो ये रिएक्शन को, तो देखो एसिड क्लोराइड है तो पीछे कहाँ जा सकते हैं बेटा रिड्यूस होकर के, एसिड क्लोराइड है तो एल्केन तक भी पहुंचे जा सकते हैं, एल्कोहल तक पहुंच सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप रिएजेंट क्या लेते हो, जब पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं हम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के साथ पैलेडियम लेते हैं, पैलेडियम एक कैटलिस्ट होता है, उसके साथ हम BSO4 डालते हैं जो एज ए एक्ट करता है पॉइजन, एक्ट करता है पॉइजन मतलब रिडक्शन को रोक देता है। तो इससे क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है, जो फंक्शन होता है वो लिमिटेड हो जाता है, फंक्शन या वर्किंग जो होती है वो एसिड डेरिवेटिव ग्रुप जो आपका COCl ग्रुप होता है, COCl ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाता है CHO या आ गया ना आपका। अब कहने को ये रिएक्शन में पढ़ रहे हैं अपने, तो ये प्रिपरेशन मेथड हुआ या नहीं हुआ एल्डिहाइड का, ऐसे ऐसे रिएक्शन ढूंढनी है बेटा। तो COCl जो कन्वर्ट हो गया COH के अंदर, अब ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये है एसिड डेरिवेटिव। एक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज भी होता है कोई चीज, एसिड डेरिवेटिव है, अगर पीछे चलोगे एसिड डेरिवेटिव तो आओगे कार्बोनिल कंपाउंड पर, है एल्डिहाइड पर, उसके बाद ना। एल्कोहल पर। हाँ, फिर कार्बोनिल कंपाउंड से आगे चलोगे तो फिर कहाँ आना चाहिए, एल्कोहल पर, एल्कोहल से आगे चलते जाओगे तो फिर, मतलब ये आगे का मतलब मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, एल्कोहल से आगे चलोगे तो एल्केन पर, ऑक्सीडेशन ऐसे चलता जाएगा लेकिन आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, ये रिएक्शन यही रोक देगी, COCl एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप पर रुक जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम रोजन वुंड रिएक्शन कहते हैं। तो ये रोजन वुंड रिएक्शन जो था ये रुक क्यों गया, अभी रिएक्शन क्या रीजन है इसका कि आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, पॉइजन, सर हमने पॉइजन लिया है BOSO4। पॉइजन का मतलब रिएक्शन को रोकने वाला, तो रिएक्शन को रोक देगा और इस जो ये कैटलिस्ट यूज करते हो आप, जो आपने पेलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन लिया है, इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लार कैटलिस्ट। रोजन वुंड रिएक्शन क्या हुआ इसका मतलब, रोजन रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ, सर एसिड हैलाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड। कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड इनटू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन BASO4। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। तो रोजन मुंड जो रिएक्शन हो गया, तो प्रिपरेशन मेथड भी तो आ गया बेटा आपका, ये क्या हो गया आपका,
ये लो, लिख देता हूं वर्ड, आपको ध्यान रहे कि प्रिपरेशन भी है, प्रिपरेशन ऑफ सर बताया मेरे को, एल्डिहाइड, एनसीईआरटी प्रिपरेशन में ही दिया है। एल्डिहाइड। ये आप कह रहे थे ना कि सर प्रिपरेशन मेथड एक भी नहीं किया, है ना? रोजन मोन रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड इनटू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजन मोन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है आपका रोजन मोन रिएक्शन है, तो रोजन मोन रिएक्शन याद करना है आपने, नेम रिएक्शन आएगा, स्कूलिंग में भी काम आ सकता है, कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है, सीधा रिएजेंट पूछ सकता है, सबस्ट्रेट पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है। रोजन मोन रिएक्शन रिपीट कर दो एक बार, रोजन मोन रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा? एसिड क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड होगा बेटा, सीधा कीटोन तो है नहीं इसमें, सीधा कह सकते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा। और रिएजेंट क्या होगा? H2+ पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। एक बात सोच सकते हो कि अगर मान लो मैं यहां पर बेरियम सल्फेट नहीं लेता तो क्या होता, सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम लेता तो काफी स्ट्रॉन्ग बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे अपने आप अभी आपने जो HI वगैरह लिया था वैसा ही होता है, सीधा एल्केन तक रिएक्शन को पहुंचा सकता है आगे, तो COCl। ये रिएजेंट सेम लिंडलार कैटलिस्ट सेम एक जगह और लिया जाता है, बट वो रोजन मोड रिएक्शन नहीं है, लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट लिया जाता है, याद है बेटा कहीं किया हुआ ऐसा? एल्काइन को एल्केन में बदल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने एल्काइन, इंटरनल जो एल्काइन की थी, इंटरनल एल्काइन मतलब इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को भी लिंडलार कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, और इंटरनल ट्रिपल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार क्वेश्चन आता है उसमें, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को भी लिंडलार कैटलिस्ट एल्कीन में कन्वर्ट करता है, बट वो नॉट कंसिडर, किया वो क्या कंसिडर नहीं होता, रोजन मून रिएक्शन कंसिडर नहीं होता, वो लिंडलार कैटलिस्ट उसको, और स्पेशल बात ये है कि वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये लिख लिया हो तो मैं आगे चलो बेटा वही बात लिखवाने के लिए। यस सर, ये अभी जो नॉलेज क्लाउड में लिख रहा हूं ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है, मतलब अब ये एसिड डेरिवेटिव का पार्ट है, साथ में हम पीछे एल्केन में भी जा रहे हैं, तो आप नॉलेज क्लाउड में रोजन मोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर नॉलेज क्लाउड में सेकेंड तो पॉइंट यही लिखेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। प्रोड्यूसेस एल्कीन, वाइल सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। सर ये बिर्च रिएजेंट है ना? हाँ बेटा, ये बिर्च रिएक्शन, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूस ट्रांस एल्कीन। From internal alkyne, terminal नहीं होना चाहिए बेटा, internal alkyne। अगर कहीं पर भी internal alkyne है तो आपने Lindlar catalyst लिया तो उसे alkene देगा स्पेशली, और sodium plus liquid ammonia दिया तो वो trans alkene देगा। तो ये भी एक काफी knowledge cloud को मतलब अपने आप importance आ गई बेटा, काफी important reaction है कि अगर हम ऐसा एग्जाम्पल ले लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और एक बार मैं कह दूं कि इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम से कराओ बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, और एक बार मैं कह दूं इसकी रिएक्शन कराओ आप सोडियम प्लस या लिथियम या सोडियम कोई भी ले लो लिक्विड अमोनिया में, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, बीच वाला ट्रिपल बॉन्ड अफेक्ट होगा लेकिन बीच वाला एल्केन पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आपने बेरियम सल्फेट लिया हुआ है इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजिनेशन दोनों ही केसेस में है, बट फर्स्ट केसेस के अंदर जो आएगा आपका सिन
हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट वाला सिन हाइड्रोजिनेशन देगा और ये वाला जो बाद वाला है ये एंटी हाइड्रोजिनेशन देगा। सिन हाइड्रोजिनेशन या एंटी हाइड्रोजिनेशन। सिन हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि जो आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, लेकिन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन दो सेम साइड होंगे तो जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो आपके अपोजिट साइड से ले जाएंगे, आपकी सिस एल्कीन बनेगी। अगर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लिया है तो एंटी हाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड पे जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड पे जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट अटैच होंगे। अच्छा बेटा एक बात बता सकते हो मुझे कि पहले वाले में सिस एडिशन क्यों हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड क्यों गए और दूसरे वाले में अपोजिट क्यों गए? सर इसका मैकेनिज्म इतना अच्छे से नहीं पता। मैकेनिज्म चलो है, मान लो मैं अपने बात ये करें कि सपोज मैकेनिज्म कंसीडर नहीं करें, वैसे सोचें तो क्या आंसर मिल सकता है क्या? तो पलेडियम देखो को एड्जॉर्ब कर जाएगा हाइड्रोजन। वेरी गुड बेटा, पैलेडियम मेटल है बेटा और मेटल पर एडजोर्प्शन होता है, ऑक्लूजन होता है, आपको याद हो ऑक्लूजन। पैलेडियम मेटल है तो मेटल की सरफेस के ऊपर रिएक्शन होना है, तो मेटल की सरफेस के ऊपर एल्कीन आएगा, एक नीचे तो मेटल आ गई, मेटल के ऊपर एल्कीन आ गई, एल्कीन के ऊपर एक ही साइड से हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे तो इसलिए सिस एल्कीन बनेगा। लेकिन दूसरे वाला देखो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर आप जाओगे तो हाइड्रोजन किसी भी साइड दे सकते हो बेटा, और ज्यादा प्रेफर कौन सा होगा कि हाइड्रोजन दूर दूर वाली साइड से आए, बाकी तो मैकेनिज्म है इसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और दूसरे का जो है सरफेस फिनोमिना है, इसलिए आपका ये रीजन होगा। इसी से एल्कीन क्यों है, क्योंकि ये आपका इधर वाला, नहीं तो मुझे फिर एल्कीन एल्कीन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में पीछा छुड़ा रहा हूँ आपसे कि इसको आप ऐसे बोलो सिस एल्केन सरफेस फिनोमिना, इसलिए सिस एल्कीन बन रहा है। और ट्रांस एल्कीन क्यों बन रहा है, यहां पर जो इसका मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल वाला होगा। फ्री रेडिकल और एनायन भी, मतलब कार्बन का एनायन भी बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होगा। आप 11th वाले देख लेना नोट्स, वहां से आइडिया मिल जाएगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दी। देखो आपको, तो देखो मैंने क्या कौन सा पॉइंट किया अभी, नॉलेज क्लाउड, एल्डिहाइड कीटोन करते करते हम एल्डिहाइड कीटोनों में हमने कौन सी रिएक्शन की, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, लेकिन रोजनमुंड वाला रिएजेंट पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट एक जगह और भी यूज होता है, वो होता है इंटरनल एल्काइन के लिए। इंटरनल एल्काइन को टर्मिनल होगा तो फिर तो एल्केन में चला ही जाएगा, लेकिन इंटरनल एल्काइन होगी तो वहां साल्ट भी बन सकता है टर्मिनल में। इंटरनल एल्काइन होगी तो इंटरनल एल्काइन से याद कर लेना है, सिस एल्कीन बनेगी। और आपकी अगर आप क्या लेते हो, लिंडलार कैटलिस्ट लेते हो, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट लेते हो, और अगर आप ब्रिज रिडक्शन करवाते हो सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लेते हो तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्लियर, चलते जाओ बेटा, बताते जाना, मैं आगे बढ़ता जाऊं जिससे। सर अगर हम टर्मिनल पर ड्यूटेरियम लगा दें और फिर हम H2 से कराएं रिएक्शन तो सर हो जाएगा ना? टर्मिनल पर नहीं, नहीं नहीं कार्बन ही होना चाहिए, टर्मिनल बनेगी नहीं ना फिर, तो वो तो फिर वही हुई, वो तो फिर हमारी एल्काइन पर हम CD कर दें और फिर हम H2 फिर हो जाएगा, फिर मिडल वाला ही जाएगा फिर। आप तो इंटरनल वर्ड याद, क्योंकि इंटरनल एल्काइन है तो फिर ऐसा हमने करना है, क्वेश्चन भी आपका इंटरनल एल्काइन पर आएगा। हटा दो बेटा अब इसको। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि सपोज ये मैंने प्रॉब्लम दिया, नोट भी लिख देते हैं एक नोट, कभी भी ये जो H2P2 है ये एल्कीन के साथ, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब एक जैसे, या RCHO जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, या फिर RCH जो इमीन बनाए थे आपने NH, मतलब अनसेचुरेशन है जहां पर, उस अनसेचुरेशन पर आप इसका रिएक्शन कराओगे
एच टू प्लस पेलेडियम का बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। हाइड्रोजन, ये जो आपने हाइड्रोजिनेशन किया है, हाइड्रोजिनेशन पैलेडियम की प्रेजेंस में, ये इसलिए जो भाई नाम होता है ना, नाम होता है तो पार्टिकुलर रिएक्शन आती है, रोजनमुंड रिएक्शन है, और फिर लिंडलार कैटलिस्ट है, स्पेशल नेम है, तो उसके लिए स्पेशल रिएजेंट भी हमको याद करने होते हैं। सर बी एटम क्या करता है, मतलब एच एटम को एब्जॉर्ब कर लेता है? बेरियम सल्फेट का परफेक्ट वर्किंग क्या है ये तो मुझे नहीं आइडिया कि भाई ऐसा है कि ये रिएक्शन जो है वो आगे जाने नहीं देता, इतना ही पढ़ा, लेकिन बेरियम सल्फेट का वर्किंग क्या होगा? हो सकता है कि बेरियम सल्फेट ये आगे इनकी जो कैटलिस्ट है, पैलेडियम क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को अफेक्ट कर देता हो, कैटलिस्ट का जैसे बेरियम सल्फेट से पैलेडियम सल्फेट बन जाता हो, पैलेडियम कम रहता हो और बेरियम फिर कैटलिस्ट का काम नहीं करता हो, ऐसा कुछ हो सकता है। पॉइजन जो होता है वो एक्चुअली पॉइजन रिएक्टेंट के लिए तो होता नहीं है, पॉइजन किसके लिए होते हैं या प्रमोटर किसके लिए होते हैं, कैटलिस्ट के लिए होते हैं, तो बेरियम सल्फेट भी पैलेडियम का जो है वो वर्किंग खत्म कर देता है, ये हो सकता है। अब इसमें देखो, सपोज मैंने आपको इसका आंसर बताऊंगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सपोज मैंने आपको लिख दिया सी एल ओ सी ओ, सी एच टू बना देते हैं और सी एच टू फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर देते हैं, CH3 के मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आप H2 पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में प्रोटेक्ट क्या होगा, प्रोटेक्ट क्या होगा सर? हम ओनली टर्मिनल एसिड हैलाइड को, एसिड हैलाइड को अफेक्ट कराएंगे। हमारे पास इसका मतलब दो जगह रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ तो रोजनमुंड हो जाएगा, ये सीएल वाली जगह पे रोजनमुंड, रोजनमुंड होगा तो एल्डिहाइड बन गया, और इधर वाली जगह पे इंटरनल वाले में सिन हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ये होगा ना, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जहां रोजनमुंड है वहां तो सीओ लगा, एच लगा देते हैं सीएल हटा के, और यहां पर जो सी आया है आपका वहां एल्कीन, लेकिन सेम साइड लगा दो क्योंकि सिन एडिशन देना है आपको, चाहे ऊपर की जगह लगाओ चाहे नीचे की, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन कहां लगाना है, सेम साइड। लेकिन सर कंप्लीट एल्केन नहीं बनाएंगे? नहीं, एल्केन नहीं बनेगा ना क्योंकि इंटरनल है, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है ना, अभी यही तो पढ़ा ऊपर वाली रिएक्शन में, हमें क्या पढ़ा था, देखो इंटरनल जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो डबल बॉन्ड पे रोक देगा क्योंकि बेरियम सल्फेट ले रहे हो ना, समझ गए? ओके सर, को एल्केन पे नहीं रोकना, डबल रोकना, बेरियम सल्फेट लिएगा। चले आगे बेटा, सर अगर हमें ओनली वन इक्विवेलेंट कैटलिस्ट दिया हो ये H2PD, तो फिर हम किस क्या प्रेफर करेंगे? अगर हमें वन दिया होता है, अगर हमें कभी वन दिया होता है तो हम जैसे इसमें आपके पास पैलेडियम बेरियम सल्फेट है तो ज्यादा रिएक्टिव देखेंगे, अनसेचुरेशन ब्रेक किसमें हो रहा है, अनसेचुरेशन ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है, वो डबल बॉन्ड में जा रहा है और CHO हो रहा है, तो रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा आएगी, तो पहला ये होना चाहिए एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड जाना चाहिए। ओके सर, दो बेटा नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट तो हमारा रिडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें ये एक्स्ट्रा चीज आ गई, पॉइंट तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड
कीटोन और किसके अंदर, एल्डिहाइड कीटोनों का किसके अंदर रिडक्शन पढ़ा था आपने, सीओ का CH2, सीओ का CH2। अगर हम ये पढ़ें अभी जो ऊपर आपने किया, रिडक्शन ऑफ CO इंटू CH2, CO किसका ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये पढ़ा ना, ये डन हो गया। सपोज आपको मैं बोलूं कि CO को एल्केन नहीं ले जाना, पहले ही रोकना है CO को, अगर मुझे ये करना हो रिडक्शन ऑफ CO इंटू CHOH, एल्कोहलों में रोकना है, रिडक्शन ऑफ CO इंटू CHOH, CO किसका, इसलिए पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हमने एल्कोहल पर रोकना, एल्कोहल पर ले जाए, रिडक्शन ऑफ CO एल्कोहल, ये पॉइंट है बात, रिडक्शन ऑफ CO इंटू CHOH, तो ये किसके साथ कर सकते हैं, ये रिएजेंट क्या यूज कर सकते हो आप, इसके लिए जनरली हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम सोडियम बोरोहाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट का फार्मूला लिखेंगे तो Na(NaBH4), लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ऊपर वाले का नाम है सोडियम बोरो हाइड्राइड। देखो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड को शॉर्टकट में भी तो लिख सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH लिखते हैं और सोडियम बोरो हाइड्राइड को SbH लिखते हैं, तो डिफरेंट वे है रिप्रेजेंटेशन के, एग्जाम में डिफरेंट वे में ये आ सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरो हाइड्राइड, बट इसके साथ इसका हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है, जिस जो भी लो लास्ट में हाइड्रोलिसिस भी आपने करना है। तो जब ये रिएजेंट लेते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड जब ये रिएजेंट लेता है तो ये सीओ को आपका एल्कोहल में रिएक्शन में रोक देता है, रिएक्शन को आगे नहीं जाने देता बेटा, सीओ को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड कीटोन को, तो यही आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हो। एक्चुअली ये दोनों ही जो आप देख रहे हो ये दोनों ही एच नेगेटिव प्रोवाइडर है, हाइड्राइड प्रोवाइडर है, हाइड्राइड मतलब एच नेगेटिव प्रोवाइडर, और दोनों ही एच नेगेटिव प्रोवाइडर हैं इसलिए इनको हम न्यूक्लियोफिलिक जो है रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगी वो तो कार्बोनिल कंपाउंड पे, इसलिए इनको हम कौन सा बोलते हैं, रिडक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते, मतलब एच प्रोवाइडर है, एच नेगेटिव प्रोवाइडर, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन होता है। तो कोई भी आपका सीओ ग्रुप है, थ्री डबल बॉन्ड हो, तो पहले आप जिससे भी रिएक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया सपोज आपने, अब इसमें भी रिएक्टिव स्पीसीज AlH4 होती है, लिथियम फोर्स में और इसको ऐसे कर दूं लिथियम होंगे तो एच ना, चाहे सोडियम लो चाहे ये लो, जब भी रिएक्शन कराओगे तो इसके पास फोर एच है, तो इसका मतलब फोर मॉलिक्यूल को ये अपना एच देगा और वो जाएगा कार्बन के ऊपर, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आपके पास जब भी रिडक्शन कराओगे तो पहले फोर सी सी के साथ एच ओ नेगेटिव बन गया और उनके साथ आपका
जो है साल्ट बन जाएगा, एनालिसिस बन जाएगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अभी एल्कोहल नहीं बनेगा, इसके साथ जो बनेगा वो एल आई बनेगी, एल आई पॉजिटिव बन गया। अब जो ये चीज बनी है इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इसलिए मैंने बोला था कि वाटर भी साथ में लेना है, तो यहां से एच होगा फिर एच मिलेगा ओ के साथ एच चला जाएगा। तो यहां आपने क्या देखना है, हिंट क्या याद रखना है, जो एच नेगेटिव है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एल एल ए एच, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एल ए एच, तो ये क्या प्रोवाइड करता है एच नेगेटिव, कहां जाता है ओजोन कार्बन, और वाटर क्या प्रोवाइड करता है एच पॉजिटिव, वो कहां जाता है ऑक्सीजन, कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बन और ऑक्सीजन पे ही तो भेजना है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे एल ए एच हो, चाहे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे आपका एन ए बी एच फोर हो, वो आपका एच नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, वो एच नेगेटिव कार्बन के ऊपर जाएगा, चाहे एल ए एच हो, चाहे आपका एस बी एच हो, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो इससे आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज मैं लिथियम एल्यूमिनियम ये दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा डिटेरियम डी नेगेटिव, तो इसका डी नेगेटिव कहां जाएगा बोजोन कार्बन। अगर मैं दे दूं आपको एच टू ओ ना दे करके डी टू ओ दे दूं, ये क्या देगा फिर डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव कहां जाएगा बोजोन, क्लियर पॉइंट देख लो कि कौन से वाला पार्ट कहां जाना है, और फोर वन मॉलिक्यूल फोर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, इंट भी याद रखना है। होंगे बेटा चले आगे, क्लियर यस सर। अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके हिसाब से आंसर निकालना है, एग्जाम में सिंपली लिखा आ गया आपके पास एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू, यहां रिएक्शन दे दिया उसने लिथियम एल्यूमिनियम ई फोर और हाइड्रोलिसिस कर दिया एच टू, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, क्या आंसर दूं, जो लिथियम एल्यूमिनियम डी फोर है वो क्या देगा सर CH3 CHD और फिर OH। डी नेगेटिव देगा, और एच टू ओ क्या देगा बेटा एच पॉजिटिव डी, पॉजिटिव और एच पॉजिटिव कहां जाएगा और वो डी कहां जाएगा देख लो आप, सर D जाएगा कार्बन पर और H सी पॉजिटिव एच जाएगा थ्री ऑक्सीजन पर। सी एच के साथ ड्यूटेरियम चला जाएगा और ओ के साथ, कोई डाउट किसी को, अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं अब क्या बनेगा,
CH3CH2OD। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसने एच नेगेटिव देना है, जो कार्बन पे जाएगा D2N है, डी पॉजिटिव देना है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3 TH, पहले है दूसरा भी H आ जाएगा, और दूसरी बात यहां पर OD आ जाएगा। और एक खास बात और कि आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा CH3 CH, ये तो कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो गया। ऊपर वाले एग्जांपल में देखो CH3 CHO के साथ, अब पहले कायरल सेंटर नहीं था, अब तो कायरल सेंटर बन गया, यस सर, ये आपका कायरल सेंटर वाला प्रोडक्ट बन गया। तो कायरल सेंटर वाला प्रोडक्ट बन गया, तो इसका मतलब तो प्रोडक्ट दो बनेंगे अब, एक तो नहीं बनेगा क्योंकि एक डेक्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होगा और दूसरा डिवोरोटेटरी फॉर्म बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे, एक डेक्ट्रोरोटेटरी फॉर्म, एक मतलब एक प्लस और एक माइनस, मतलब आंसर जो आएगा वो एक आंसर नहीं देना, क्या आंसर देना ऊपर वाले में, रेसेमिक मिक्सचर। वो जो पहला डी है वो कहीं भी जा सकता है, वो अबो द प्लेन भी जा सकता है, बिलो द प्लेन भी, अबो और बिलो जाने पर दोनों साइड के प्रोडक्ट आपके अलग अलग बन रहे हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी आपकी रह सकती है, इसमें कहीं भी जा सकता है। क्लियर है? यस सर। अब क्या है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने देख लिया, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन की बात करें, नॉलेज क्लाउड की बात करें, देखो काम की जीने के अदर चैप्टर की रिएक्शन भी आ जाएंगी। पहला पॉइंट बेटा ये है कि जो आपका नॉलेज क्लाउड फर्स्ट ले लेते, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LAH स्ट्रॉन्गर देन SbHO सोडियम बोरोहाइड्राइड, LAH इज स्ट्रॉन्गर देन SbH, इसलिए अगर आपका LAH स्ट्रॉन्गर देन SbH है तो कई जगह अगर हम देखते हैं कई औरों को भी इफेक्ट करते हैं, तो रिलेटिव LAH इज स्ट्रॉन्गर देन SbH है, और SbH में जैसे आप देखें और ये जो ना तो बोथ जो होते हैं, बोथ आल्सो रिड्यूस एसिड डेरिवेटिव, ये दोनों हैं जो एसिड डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करते हैं। खास बात ये भी आ गई, एल्डिहाइड कीटोन को तो करते ही हैं, साथ के साथ में किसको रिड्यूस करते हैं, ये एसिड डेरिवेटिव, LAH स्ट्रॉन्गर देन SbH है और बोथ आल्सो रिड्यूस एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करते हैं, बट जो SbH है सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो है फॉर SbH सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट, काफी इंपोर्टेंट लाइन लिख रहे हो, SbH डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ईस्टर, एसिड। नहीं एसिड एस्टर को, ईस्टर, इसलिए जो एस्टर हैं एस्टर पर इसका इफेक्ट काम नहीं आता। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपके पास RCOCl है, आप वाले क्वेश्चन जो पिछले का भी आंसर मिल जाएगा, इसमें RCOCl है या RCO है H, और अगर RCOOR है तो RCOCl तो एसिड क्लोराइड, और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया मतलब, और ये एस्टर हो गया। तो अगर इसमें देखें तो इधर जो रेट होगा एसिड क्लोराइड की तरफ, ये रिडक्शन जो होगा वो इजीली करेगा, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इसका जो रिड्यूसिंग इफेक्ट है वो इनके
जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोराइड्राइड का रेट ऑफ रिडक्शन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाओगे वो इंक्रीज होगा। बट एस्टर ध्यान रखना, जो एस्टर है, एस्टर को मैंने ऊपर भी लिखा है या बार बार लिख रहा हूं, और SBH मतलब सोडियम बोरो हाइड्राइड नो रिएक्शन। एस्टर जो होता है वो उसके पर NaBH4, क्योंकि उसका वो खुद लेस रिएक्टिव है, NaBH4 भी लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्टिव नहीं हो सकता है। यूजली हम क्या करते हैं कि इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड हो गए या एल्डिहाइड हो गए। एल्डिहाइड में तो SBH भी यूज कर लो, चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड कर लो, लिथियम वाला कर लो, दोनों यूज कर सकते हो। तो अभी देखो, थोड़ी देर पहले हमारा क्वेश्चन था ना, आपका एक क्वेश्चन आया था कि सर RCOCl वन इक्विवेलेंट लेंगे तो RCOCl जल्दी होगा या एल्काइन होगा, तो यहां से देखो मिल रहा है ना आंसर भी। तो RCOCl है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा किसके थ्रू, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, NBH4 जो है वो रिएक्शन नहीं देगा। तो जनरली जो है, अगर आप SBS का रिडक्शन करना चाहते हो तो जनरली एल्कोहल होते हैं या आपके जो ऑर्डिनरी एल्कीन्स होती हैं उनके लिए इनको यूज नहीं करते, ऐसे डेरिवेटिव वगैरह के लिए यूज करते हैं जनरली लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड जनरली हम यूज नहीं करते। साथ में ही कर लो, जिससे क्या है कि मान लो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली रिएक्शन होती है ना, वो एलबीएच जो है, पहले एलबीएच की बात करें तो एलबीएच जो होता है ये यूजली, यहाँ आगे भी कहीं आएगा तो बता दूंगा, पर ये पॉइंट यहाँ थोड़ा ध्यान रख लेना, यूजली नॉट रिड्यूस कि एल्कोहलों पर तो रिएक्शन रोक रहा है, नॉट रिड्यूस एल्कोहल इस फंक्शनल ग्रुप को और ऑर्डिनरी एल्कीन को, आगे जाके कंजुगेटेड एल्कीन के बारे में बताऊंगा, इनको नहीं रोकता मतलब रिड्यूस करता। और इसी टाइप से जो आपका SBH होता है ही पॉइंट बना देते हैं, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो करता है कैन रिड्यूस, मतलब SBS जनरली जो यूज करते हो कैन रिड्यूस हैलाइड, ऊपर देख रहे हो आप RCOX, कोई भी हैलाइड RCOX यूज कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटो RCOR, और ओजोनाइड जो होते हैं जहां ओजोन बनते हैं उनको भी करता है ओजोनाइड। तो देखो एक मोटा सा आइडिया क्या बना सकते हो आप, आउटलाइन क्या बना सकते हो कि आप तो SBH को अलग से याद कर लो। तो SBH किस किस को करता है, देखो SBH एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड ओजोनाइड। एल्डिहाइड कीटोन हो तो देख ही रहे हो, डायरेक्ट याद करने की जरूरत ही नहीं, एसिड हैलाइड और कर लो आप, एसिड हैलाइड और ओजोनाइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत जगह काम आ सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो आता है बहुत जगह आता है, लेकिन वो किसको नहीं करता है, वो कौन कौन से, रिड्यूस नॉट रिड्यूस एल्कोहल एंड एल्कीन, एल्कोहल एंड ऑर्डिनरी एल्कीन, मतलब कॉन्जुगेटेड एल्कीन पर वर्किंग होगी। आगे चल करके हम कहीं देखेंगे कि वहां ये वर्किंग कर सकता है। तो आपका LAH स्ट्रॉन्गर देन SBH है, और ये जो है बोथ आपके रिड्यूस कर रहे हैं एसिड डेरिवेटिव को, ध्यान रखना है कौन कहां पर कितना रिएक्ट कर रहा है। जहां पर एस्टर देख रहे हो आप, एस्टर को कौन रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, एस्टर को देख रहे हो आप रिड्यूस जो नहीं कर पा रहा है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहां पर हम दो अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट और यूज कर सकते हैं, उनको भी आप जो है अलग से याद रख सकते हो। नाम सुना होगा एक आपने, नहीं सुना है तो कर लेंगे, एक डाइबाल एच होता है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है डाइबाल एच। बेटा एक बार रिपीट कर दो इसको फिर, क्योंकि इसके साथ ही वो दो और पॉइंट मिला देते हैं नॉलेज क्लाउड में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को कर सकता है, जरा बता दो जल्दी सी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एस्टर भी, एसिड हैलाइड एस्टर भी तो कर एस्टर सकता है ना। को, या एल्डिहाइड सर एस्टर को भी, आप क्या लेकिन कह सकते हो, एल्डिहाइड को नहीं करेगा ना, अल्कोहल को करेगा। एल्कोहल से आगे जनरली नहीं करता है। एल्कोहल तो जितने आते हैं ऐसे डेरिवेटिव में कार्बोनिक कंपाउंड उनको करता है। और एसबीएच किस किस को करता है, एसबीएच स्पेशली याद कर लो, एल्डिहाइड कीटोन कीटोन को एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन ओजोनाइड, और एक एक्स्ट्रा है ओजोनाइड। तो अभी आपका जो लेकिन लास्ट, ओजोनाइड हाँ जो लास्ट जो है एस्टर, तो नहीं एस्टर को तो बिल्कुल ही नहीं करता है। लास्ट दिनों क्वेश्चन भी आया था इस आपका लास्ट ईयर, लेकिन मेन में आया था, आप वाले में नहीं आया था, उसमें इस तरह की वर्किंग पूछी थी। तो एक नॉलेज क्लाउड में आपको और बता रहा हूं, एक होता है डाइबाल एच। डाई बाल एच पूरा नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक होता है आपका बोरेन होता है BH3 का, जनरली BH3 भी देख लेते हैं। ये जो डाइबाल एच और BH3 है, ये जो दोनों हैं ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। एच पॉजिटिव देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर वालों से डिफरेंस आ गया ना इनका, ये आपके दोनों इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो बिल्कुल उल्टा है जैसा ऊपर वाले न्यूक्लियोफिलिक वाला था। तो इसमें आपका जैसे आप रिएक्शन करोगे तो RCOCl एसिड क्लोराइड से ज्यादा ये कार्बोनिल कंपाउंड को करेगा और एस्टर को करेगा। तो इसका मतलब अगर आपको एस्टर का रिडक्शन जो वहां नहीं हो पा रहा था वहां प्रेफरेंस में करना है तो क्या यूज कर सकते हो आप, डाइबाल एच। डाइबाल एच यूज कर सकते। ये क्वेश्चन आता है बेटा एस्टर को अगर करना है, और स्पेशली ये RCOCl है इसमें जो है नो रिएक्शन ऑफ BH3, बाकी हम BH3 कर लेगा लेकिन इस पर BH3 रिएक्शन नहीं करता। तो एक तो क्लियर कट आंसर आ गया कि एस्टर को कौन रिड्यूस नहीं करते, एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद कर लो एस्टर को कौन रिड्यूस नहीं कर सकते, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड को कौन रिड्यूस नहीं कर सकते, BH3। कौन रिड्यूस नहीं कर सकता, BH3। ये तो फिक्स पक्के हो गए ना, नो रिएक्शन ऑफ BH3 जहां आया ऊपर नो रिएक्शन आ गया। तो एस्टर को SBH नहीं कर सकता और एसिड क्लोराइड को BH3 रिड्यूस नहीं कर सकता। बाकी आप हेल्प लेने के लिए याद कर सकते हो डाइबाल एच में, डाइबाल एच का अगर हम हिंट बनाए तो क्या बना सकते हैं, किस किस को ये रिड्यूस कर सकता है डाइपाल डाइबाल एच। तो भाई ये करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है, ईस्टर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कर सकता है, सिलेक्ट ऐसे बना दे, सिलेक्ट सिलेक्ट को रिड्यूस कर सकता है। सी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड,
साइनाइड, पहले साइनाइड बनाओ। जो साइनाइड होते हैं उनको भी तो डाइबालाइज करता है, साइनाइड। ई मतलब ईस्टर, एस्टर मतलब लेक्टोन होता है, साइक्लिक एस्टर होते हैं ये भी। साइक्लिक एस्टर, अमाइड और सी से आपका साइनाइड हो गया ना, ईस्टर भी हो गया, साइनाइड ईस्टर, स्पेशली साइनाइड और ईस्टर के लिए यूज करते हैं। लेक्टोन हो गया, सिलेक, तो एक सी और आ गया, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली डाइपॉल एच का यूज जो करते हो इनके रिडक्शन के लिए करते हो, सिलेक्स से याद रखो, साइनाइड को, एस्टर को, साइक्लिक एस्टर मतलब लेक्टोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हो। तो सबसे ज्यादा यूज किस में करते हैं, देखो आप इन दोनों में बहुत यूज करते हो आप, ये जो पहले लिखे हैं मैंने, ईस्टर, अभी देखा आपने ईस्टर के लिए किसको यूज कर सकते हो, डाइबॉल एच को, तो वहां सीधा डाइबॉल एच लिखा आएगा, तो डाइबॉल एच का यूजेज आप कर सकते हो। और जो है इधर से सीलेक में साइनाइड वगैरह एस्टर वगैरह के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। एक स्टीफन रिएक्शन भी आएगी, वो साइनाइड की होगी, वो अलग होगी, लेकिन ये डाइबॉल एच से है। तो मेरे पास, मैंने आपको फोर जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दे दी, फोर रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्पेसिफिक वर्क भी देख लिए हमने और उनके पार्टिकुलर वर्क भी देख लिए। अब आपको कुछ जो है प्रोडक्ट भी, हम रिएक्शंस भी देख लेते हैं, हम कुछ रिएक्शंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बेटा आगे चलो, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन यस सर, मैं आपको देता हूं, देखो बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मैं आपको देता हूं ये एग्जाम्पल कि आर सी ओ सी एल है, आर सी ओ सी एल में हम रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन में मैंने आपको दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर बेटा इसका करा दिया हाइड्रोलिसिस, या मैंने इसी में आपको दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड और इसका करवा दिया हाइड्रोलिसिस, तो दोनों में प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेंगे, ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर सेम करना बिल्कुल चाहिए। बेटा दोनों में सेम बनेगा, क्योंकि एसिड क्लोराइड पे तो दोनों वर्किंग करते हैं ना, एसिड क्लोराइड पे, लिथियम एल्यूमिनियम एसिड क्लोराइड और एल्डिहाइड कीटोन पे तो दोनों ही वर्क करते हैं, मतलब तीन के तीन रिएजेंट के लिए तो कॉमन ही है ये, तो दोनों में क्या बनेगा, आर सी। अच्छा और प्रोडक्ट बनेगा क्या ये भी जरा बता दो मुझे। अल्कोहल वेरी गुड, और रिएक्शन जो है एल्डिहाइडों पे नहीं रुकेगी ये रिएक्शन, आर रोजन वुड में देखो रिएक्शन पहले एल्डिहाइड पे रुक गई थी, या एल्डिहाइडों पे नहीं रुकेगी, ये अल्कोहल पर जाएगी। तो आर दोनों ही केसेस के अंदर जो आपका होगा क्या, पहले देखो पहले एच जाएगा, मैं बता दूंगा फिर। हाँ आरसीओएच देखो आर सी ओ एच और यहां पर सी एच, दोनों ही केसेस में ये बनेगा। हुआ कैसे ये, वही ये देखो ये ऐसे है ना, आर सी ओ सी एल है, पहले एच आया, सीएल को रिप्लेस किया, आर सी एच बन गया, फिर एच आया, तो आर टी एच एच ओ नेगेटिव बन गया, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, एच पॉजिटिव आया, तो आर सी एच एच ओ, मतलब एसिड क्लोराइड लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड का वर्किंग तीन कैटेगरी पर सिमिलर है बेटा, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन।
एल्डिहाइड कीटोनों को भी ये जाकर के अल्कोहल पर रोकते हैं, तो एसिड क्लोराइड आएगा तो उसको भी एल्डिहाइड में जनरली जल्दी कर लेंगे ये। यही रीजन था, हमने कहा था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव है एसिड क्लोराइड के, तो पहले एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? सर LiAl(H4) कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं करेगा ना? होता है बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखा है ये कई जगह, और अभी आएगा इसकी और वर्किंग है, अभी मैं और बताऊंगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो नाइट्रोबेंजीन है उस पे भी काम करता है, ये ग्लूकोज वगैरह में भी काम करता है, काफी स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मोस्टली को अफेक्ट करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एल्कोहल तक जितने भी ऊपर है उनको अफेक्ट करता है, इवन नाइट्रो वालों को भी अफेक्ट करता है। अभी नाइट्रो वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी कुछ आ जाएंगे, तो साथ के साथ जैसे यहाँ जितनी है यहाँ कुछ याद कर लो कुछ वहां हो जाएंगी। अब देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, आपने आंसर देना बेटा इसका, मैं इसका एग्जांपल देता आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर डैश, ये दे दिया मैंने आपको, मैंने कह दिया यहां पर वही दोनों रिएक्शन दे दी मैंने, मैंने कह दिया एक बार आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक बार ले लो सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दो FBH से तो कोई रिएक्शन नहीं होगी रिएक्शन, वेरी गुड, बिकॉज एस्टर है ना, तो एस्टर है तो यहां पर आपका कोई रिएक्शन नहीं हो, नो वाले रिएक्शन, में दो अल्कोहल बन जाएंगे। ऊपर वाले के अंदर दो एल्कोहल, क्योंकि आप यहां से ब्रेक कर देना, ऊपर वाले में आर सी एच जो है ये भी जाके एल्कोहल में कन्वर्ट होना है, ये डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट होना है, तो दोनों ही आर सी एच टू वाला ओ एच भी बनेगा और प्लस आर डैश वाला भी ओ एच, दोनों एल्कोहल। क्लियर बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो आगे, अगर मैं एस्टर की बजाय एनहाइड्राइड ले लेता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ O T O R, इसमें ये दोनों रिएक्शन दे देता हूं, मतलब यहां पर हम एसिड डेरिवेटिव के साथ में ही करते जा रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, सिंबल ले रहे हैं तो सिर्फ सिंबल लो, देखो इसमें बताओ क्या बनेगा, सर ऊपर वाली तो हो जाएगी सर, कंफर्म नहीं है। तो देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो लिथियम एल्युमिनियम सेम वर्किंग, वही भाई एस्टर से रिएक्ट नहीं कर रहा तो एनहाइड्राइड एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसबीएस को रिएक्ट करेगा नहीं, मैंने एसबीएस के लिए आपको स्पेशली याद कराया था कि एसबीएस सिर्फ किस किस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड, सर एसिल हैलाइड और हाँ कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन उनके साथ करता है, तो अगेन सेम ईस्टर आ गया, ये ऊपर वाला ईस्टर था, ये एनहाइड्राइड आ गया, एनहाइड्राइड में तो सेम वही कहेंगे ना एसपीएच, वही याद कर लिया था, ये वाला नाम तो आया नहीं था, इसका मतलब नीचे वापस क्या होगी रिएक्शन, और ऊपर देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो अगेन वही वाला पॉइंट, एक एसिड और एक अल्कोहल बनेगा नहीं बेटा LiAl(H4). वही वही अभी आप वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, एसिड बनेगा तो सही लेकिन एसिड भी कहाँ चला जाएगा आगे जाकर के, एल्कोहल अल्कोहल में में, तो आर सी ओ ऊपर वाला भी, तो सर एक ओ का क्या होगा, वो H2 में चले जाएगा। हाँ वो एज एस टू बाहर निकल जाएगा, जैसे मैं ऐसे ही दे देता हूं आपको, ये इस तरह का प्रॉब्लम भी दे देता हूं, मैं लिख देता हूं एसिड ही दे दूं आपको आर सी ओ एच, दूर हट जाएगा आर सी ओ एच, अब मैंने इसके लिए आपको ये दोनों दे दिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एस बी एच, अब बताओ क्या रिएक्शन होगा, एस बी एच तो क्लियर कट हट गया, एसबीएच हट जाएगा बेटा, यस सर। नो रिएक्शन हो गया नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में देखो नीचे ऊपर वाले में नो रिएक्शन नहीं आएगा, इवन ये सर एसिड है तो H2O+ ऊपर वाले में वापस अगेन आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एस आर सी एच टू ओ एच और वाटर जो है वो बाहर,
क्या हो गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अपने से अल्कोहल से जितने भी ऊपर है उन सबको क्या कर रहा है, वो रिड्यूस करके कहां तक ला रहा है? अल्कोहल तक। कहां तक ला रहा है? एल्कोहल। ये बात ध्यान रखनी है। और एसबीएच आपने फिक्स याद रखना है। एसबीएच में मैंने बोला है एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे ये देता हूं मैं, आर सी ओ एन एच टू, अमाइड। मैं ले लेता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और बाद में वो तो अल्कोहल करना ही, वो लेके ही चलना, हाइड्रोलिसिस तो करना ही होता है। प्लस अमोनिया। अमाइड नहीं बेटा, इसमें एमीन बनेगा, ध्यान रखना है, इसीलिए दिया है मैंने, क्योंकि ये वाला एच टू बाहर हो जाएगा, आर सी एच टू, और एमीन आगे जाती नहीं है, तो आर सी एच टू एन एच टू। रीजन डबल बॉन्ड करेक्टर दे सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। करेक्टर है तो नाइट्रोजन का ब्रेक नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो इनको भी ब्रेक कर सकता है ना, ऊपर लिख के आए अपने, ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन, तो सी डबल बॉन्ड एन यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, सी एच टू एन एच टू, तो एमीन के अंदर कन्वर्जन करोगे। अगर ऐसा दे दिया तो अब सोचते जाओ, सोचने वाली बात है कि क्या क्या आंसर निकाल सकते हो। ऐसा दे दिया और मैंने कह दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले अल्कोहल लो, डबल बॉन्ड वही इफेक्ट होगा। नहीं अल्कोहल नहीं ले जाना, जब भी नाइट्रोजन आ जाए तो अल्कोहल को नहीं ले जाना, बस ऑक्सीजन को हटाना है आपने, क्योंकि ऊपर भी तो कोई चेंज नहीं किया था ना, ऊपर भी तो सिर्फ ऑक्सीजन को हटाया था, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, आर सी एच टू एन एच तो आर। क्या सर, तो क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वाला AlH4 के लिए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एमीन को तो नहीं कर सकता ना, ये एमीन को अफेक्ट नहीं करता, एनएच टू ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता है। कार्बोनिल तो सर इसने कार्बोनिल को डायरेक्ट उसमें कर दिया ना, इसलिए। अच्छा को सीधा कर दिया, ये कह सकते हो कि सी एच टू में कन्वर्ट करते हो, सीओ को तो अफेक्ट करता ही है, सीओ किसी का भी हो, मतलब मेन वर्किंग इसकी सीओ की तो है, सीओ को किसमें कन्वर्ट करना है, इसने सीओ को ही तो करना है, लेकिन सी एन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर ओके नाइट्रो ग्रुप आ जाता, नाइट्रो ग्रुप आ जाता, जैसे जैसे ये आ जाता नाइट्रो ग्रुप, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप ले, इसको क्या हो गया, जैसे ये आ गया आर सी एच टू एनओ टू आ जाता, अगर ये वाला आ जाता आपके पास, अब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते, अब देखो अब कार्बन पे तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना, सी एन बॉन्ड पे भी नहीं हो सकता, तो ओ अमीन को बन तो हटा सकता है, जाएगा। हाँ अमीन बन जाएगा, आर सी एच टू एन एच टू, मतलब एमीन पर आगे रिएक्शन होती तो यहां भी तो होती, अगर आगे रिएक्शन होता तो यहां भी होता, आर सी एच टू एन एच टू आता यहां पर भी, समझ गए बेटा? तो इसका यस मतलब सर, अगर समझ हमारे, गया। अगर एमाइड हो तो एमाइड है तो कहां रोकना है अपने रिएक्शन को, अमीन पर एमीन पे रोकना, और नाइट्रो हो तो कहां रोकना है, अमीन पर एमीन पर, नाइट्रो हो तो नाइट्रोजन वाले जब भी आए एमीन पर रोकना, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन से जब कराते हैं इसको, हम तो लाइट है नहीं काफी, 2 घंटे से लैपटॉप खत्म होने वाला है, कभी भी बेटा टेंशन मत लेना, ठीक है, नाइट्रो, अगर नाइट्रो बेंजीन ले ले तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे, ये एम्स में आया था क्वेश्चन आपका, तो अब एनओ टू में कन्वर्ट मत करना मेजर प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा डाई एजो बेंजीन, ये फर्दर रिएक्शन हो जाती है, मेजर प्रोडक्ट ये देना है, बोलते हैं डाई एजो बेंजीन, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप है तो एमीन नहीं बनाना, उसकी बजाय क्या बनाना है, उसकी बजाय डाई एजो बेंजीन बनाना, ये भी जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो एमीन भी, लेकिन ये मेजर ये बने,
जब भी आपके पास एमाइड आ जाए या नाइट्रो आ जाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एमी, एल्कोहल या एमी, बस याद रखना एल्कोहल या एमी, एल्कोहल या नाइट्रोजन वाले हैं तो एमीन। और उसमें एक पॉइंट याद रखना, कौन से वाला? नाइट्रोबेंजीन वाला। नाइट्रोबेंजीन आ जाए तो क्या प्रोडक्ट देना है आपको? डाइजोबेंजीन। डाइजोबेंजीन। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हुआ, एसबीएच अलग से याद कर लो। एसबीएच सिर्फ किस पर इफेक्टिव है? तीन चीजें याद कर लो, चार है वैसे तो, तीन याद कर लो, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और ओजोनाइड। और बाकी सब जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है, और जहां भी काम करता है वहां को एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, विदाउट नाइट्रोजन डेरिवेटिव होते हैं, तो कहां रोकता है? अल्कोहल में, अल्कोहल में। और अगर ये हो जाए आपका नाइट्रोजन वाले तो कहां रोकेगा? एमीन में, NH2 वाले में, चाहे फिर सेकेंडरी एमीन हो, प्राइमरी एमीन हो, जैसे भी एमीन। लास्ट वाली समझने नहीं आई। नहीं ये अभी आएगी भी नहीं ना, नाइट्रो कहां कर रहे हैं, ये तो आ गया पॉइंट, तो मैंने यहां लिख दिया। तो सर उसके लिए भी आपने जो पहले कार्बन कंटेनिंग हेलोजन में आपने जो रिएक्शन बताई थी उसमें NaNO2 था रिएजेंट। हाँ वो अलग था, नाइट्रस वाला NaNO2, वो तो डायजोटाइजेशन था ना, HNO2 वाला। सर ये रिएक्शन भी तो उसी के थ्रू प्रोसीड हुई नहीं है ना? नहीं, ये अलग चीज है, इसका मैकेनिज्म अलग है, नाइट्रो वाले का अलग है। NHOH बनता है, फिर दो मॉलिक्यूल अटैच करते हैं एक दूसरे को, वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड करेंगे ना, उसमें आएगा ये, वो रिएक्शन उस रिएक्शन से अलग है। वो डायजोटाइजेशन तो नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में था, HNO2 की प्रेजेंस में था। ये अलग से याद कर लेना, इस पर लिख लेना, कुछ अलग से ध्यान रहे जिससे। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया आज? सर आज आपने आज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड रिडक्शन करवाया, रिडक्शन और रिडक्शन हमने एक साथ कर लिया, रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ जो एसिड डेरिवेटिव वगैरह होते हैं उनका भी रिडक्शन हमने यहीं पे देख लिया। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ये अभी जो है मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है अभी, तो मैं इस क्लास क्लोज कर रहा हूँ अभी। ठीक है।